والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है। एहसान के नहीं, मुसलमान बनाने के बाद अल्लाह ताला ने हमें आखिरी ज़मा पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम की उम्मत में से कर दिया है। अल्लाह का एहसान के नहीं माशाल्लाह। मेरे भाइयों, आज मैं तकरीरें दरअसल आप सुनते रहते हैं और ये कुरान मजीद आसमानों से ये नाजिल हुआ है किसकी रहनुमाई के लिए? इंसानों के लिए भी और मुसलमानों के लिए। इंसानों के बाद हकीकत में मुसलमानों की रहनुमाई के लिए है। ऐसा क्यों? ये मुसलमानों की रहनुमाई के लिए कि जो मुसलमान इधर इधर टेढ़ापन इख्तियार कर लेते हैं दीन को सुनने के बावजूद उनको सीधा करने के लिए ये कुरान। मेरे भाइयों, जो तो हमारे भाई गौर व फिक्र करने वाले, सोच रखने वाले, वो ये बात सोचते हैं कि यार ये बात ठीक है, मैं गलत हूं और उस गलत रास्ते को छोड़ देते हैं। और जिनके अंदर गौर फिक्र नहीं, बेवकूफ है, बेअकल है, नादान है, तो वो उसी तरह बीसियों साल सुनने के बाद कुरान को, दुरूस को, हदीस को, इसके बावजूद उसी डगर पर चल रहे हैं। ऐसा क्यों? उसी डगर पर चल रहे हैं। हम मुसलमान हैं और उस वक्त के दौर के जो आप सल्लम के दौर के वो भी मुसलमान थे, लेकिन उनकी तरक्की और हमारी तरक्की के अंदर कितना फर्क है। उनकी कामयाबी और हमारी कामयाबी के अंदर कितना फर्क। वो इबादत में, ज़ोद में, तक्वा में, खुशू में इतने आगे बढ़ गए थे कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर मोमिन मुआद रात को सोए सो भी जाएगा, अल्लाह उसके सोने को भी इबादत में लिखेगा, उसके सोने को भी अल्लाह इबादत करे। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हम ईमान ले आए, जरा मेरी तरफ देख कर तवज्जो के साथ सुनो बात। ये चंद एक बातें मैं आप भाइयों को सुनाने के लिए कुरैदा से आया, ताकि कोई भाई किसी के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की ये बात उतर जाए और वो सीधी डगर पर चल, सीधे रास्ते पर चल। मेरे भाइयों, अल्लाह
उस वक्त के मुसलमान और हमारे इस दौर के मुसलमान में कितना फर्क है। अल्लाह अल्लाह, सच्ची बात है, लगता ऐसे है कि जैसे उस वक्त के मुसलमान मुसलमान थे, आज के दौर के मुसलमान मुसलमान, लगता ऐसे। ना तो हम ईमान ले आए, वो भी ईमान ले आए थे, है ऐसा कि हम भी ईमान ले आए, वो भी ईमान ले आए थे, वो भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान, लेकिन ईमान अकेला उसके साथ दो चीजें। ईमान के साथ कितनी चीजें? दो चीजें हैं उसको दुरुस्त रखने के लिए, एक उसका इलाज है और एक उसका परहेज है। एक इलाज है, दूसरा क्या है? परहेज है। इलाज क्या है कि किसी बात का हुक्म अल्लाह उसके रसूल की तरफ आ जाना, वो कर लेना, ये इलाज। और अल्लाह उसके रसूल का मना करना, ये परहेज। आज इलाज की कमी नहीं, परहेज की कमी है। आज लोग बल्ला है, कोई भी अगर दुनिया का जिस्म का अगर बीमार है तो कितनी गोलियां लेके आ जाता है, ले आता है, लेकिन उसको फर्क ज्यादातर क्यों नहीं पड़ता कि वो परहेज नहीं करता। असल जो जिस्म की रूह और गिजा है वो परहेज। सौ इलाज का हल एक परहेज है, और जिस आदमी के अंदर परहेज नहीं है उसको इलाज कोई फायदा नहीं देगा, उसको इलाज कोई फायदा नहीं देगा। है ऐसी बात? इस बात के साथ इत्तफाक करते हैं कि इलाज के अंदर अगर परहेज ना हो तो इलाज फायदेमंद नहीं होता। आज मैं आप भाइयों से पूछता चला जाता हूं और आप बताते चले जाए, आज दुनिया के अंदर मुसलमान जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, है ऐसा कि? और ये सारे फायदे अल्लाह ने कहा कि मैं मुसलमान को दिए हैं, मुसलमान को देता हूं, मेरा साथ मेरी मोहब्बत मुसलमान के साथ। लेकिन ये मुसलमान बदपरहेजी की वजह से, बदपरहेजी की वजह से अपने आप को इसने तबाह कर लिया। परहेज ना करने की वजह से इसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। और इसी तरह नेकियां भी इसी तरह बर्बाद हो जाती, नेकियां भी इसी तरह बर्बाद हो जाती जो भाई परहेज नहीं करते। वल्लाह वो लोग परहेज भी क्या करते थे और इलाज भी किया करते। आज हम इलाज तो बहुत करते, देखो मैं एक मिसाल देता हूं, अगर नौजवान लड़की, जब नौजवान लड़का आप उसकी शादी करते हैं, करते हैं कि नहीं? आवाज नहीं एक है, शायद नहीं करते आप, करते माशाल्लाह। नौजवान लड़की को या नौजवान लड़के को जब शादी उसकी करीब आ जाती तो उसको क्या करते हैं? नहलाते हैं, है ना सर? उसको नहलाते हैं, उसको हमारे पंजाबी में कहते हैं उसको वटना मारते हैं, उसकी पूरी मैल उतारते हैं कि इसका रंग और रूप साफ आ जाए और इसकी मैल और कुचैल जो है वो उतर जाए, इसकी मैल और कुचैल उतर जाए। ध्यानदारी से बताओ,
कि आदमी का सूट 20,000 रुपए का हो और सोने के जेवरात हो उस लड़की के लिए, और उस लड़की या उस लड़के को नहलाया ना जाए, तो वो सूट जब उसको पहनाया जाएगा तो बतलाओ वो इतना आला खुशबू खुशबू वाला सूट और इतना नया और जबरदस्त सूट और जेवरात, उससे भी बदबू आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि उसको उसने साफ नहीं किया, अपने जिस्म को साफ नहीं किया, उसने अपने जिस्म को साफ नहीं किया। और जो आदमी अपने जिस्म को अच्छी तरह साफ करके फिर कपड़े पहनता है, आज हम नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, और कितने लोग नमाजी हैं, है कि नहीं? रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये बिदअत ये खुराफात और ये शिर्क वाली जो मैल है जिस्म से, इसको अभी तक नहीं उतारा। और जिस तरह इस मैल को ना उतारने से वो लिबास मजबूतदार हो जाता है, अल्लाह की कसम, सारे अमल करने के बाद अगर तुम इस शिर्क को बिदअत और खुराफात के अंदर रहे, इस मैल को ना उतारा, तो पूरी नमाजें पूरे रोजे पूरे हज और ज़कात वो सारे के सारे बदबूदार होते, वो सारे के सारे बदबूदार हो जाएंगे। अल्लाह का वादा है, यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना उलाइकल लजीन हबितत अमालुहुम, फरमाया जो लोग अपनी नेकियों को करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, वो नहीं गुमान करते कि मेरी नेकियां मुझे कहां लेके जा रही, मैं ये जो नेकियां कर रहा हूं क्या अल्लाह उसके रसूल की लाई हुई शरीयत के मुताबिक है या नहीं, इसको नहीं सोचते और फिक्र नहीं करते। वो जैसे तबले और सरंगी वाले, वो तबला बजाता चला जाता है, दूसरे नाचते चले जाते, वो उसी सरंग पे लगे हुए, जैसे वो बजाता है ऐसे वो नाचते जाते। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों की हालत क्यों हो, गौर व फिक्र खत्म हो गया और वो सारी नेकियों को बदबूदार किया जा रहा। अपनी नेकियों को खुशबूदार करो, अपनी नेकियों को इस बिदअत और खुराफात वाली मैल से पाक करो, और पद परहेजी ना करो, परहेज करो। जब आदमी पद परहेजी करता है, इलाज कोई फायदा नहीं, इलाज उसको कोई फायदा नहीं देता। अल्लाह की कसम, अल्लाह का दीन इतना वहदत वाला, इतना खालिस है, कलमा आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले क्या चीज आई, पहले परहेज आया, पहले क्या आया, परहेज आया, बाद में इल्लल्लाह, पहले परहेज आया बाद में इलाज आया। अल्लाह ने कहा पहले सब इलाहों की नफी कर कि मैं किसी रब को किसी माबूद को किसी मुश्किल कुशा को नहीं मानता, फिर मेरी तरफ, फिर मेरी तरफ आ। वल्लाह परहेज इंसान के जिस्म को तकवीयत देता है, इंसान को निखारता है, इंसान को सेहत देता है। अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं मगर अल्लाह, कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह। अल्लाह ने अपने लफ्ज को अपने इसम को पहले नहीं डाल, बाद में डाल कि पहले तुम नफी कर कि कोई नहीं, पहले जो मैंने रोका है जिस चीज उससे रोक, फिर तू दीन की तरफ आ। आदमी रुके ना, बुराने भी करता चला जाए और इलाज भी करता चला जाए, नेकियां भी करता चला जाए, क्या उसके आमाल अल्लाह की कसम उसी तरह बदबूदार हो जाते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाह बहुत खुशकिस्मत लोग हो तुम, तौरात के अंदर ये मक्तूब है कि ये लोग हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने बताया कि एक उम्मत के लोग, एक उम्मत ऐसी आएगी कि अगर 1,000
हजार साल भी 500 साल भी गुनाह करके आ जाए और मेरे रास्ते पर आकर तौबा कर ले, मस्जिद में आकर तौबा कर ले, मेरे से माफी मांग ले, मैं उनके सारे के सारे गुनाहों को माफ कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह वो कौन सी उम्मत होगी? फरमाया वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की कि अल्लाह मुझे भी उसकी उम्मत में से बना, मुझे भी उसकी उम्मत में से बना दे। इतनी वो आला उम्मत, वो कितनी आला हो तुम लोग, लेकिन कितनी बदभेजी तुम्हारे अंदर। अल्लाह की कसम 1400 साल नबी को हो गए, कोई एक आदमी इतने मजमे में से कोई ये गौर फिक्र या सोच नहीं रखता कि क्या आप जो मेरे ऊपर दीन और इस्लाम है, क्या ये वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले लेकर आए थे? क्या वही है मेरे ऊपर? अल्लाह की कसम, एक छोटी सी चीज है जो जारी हमें नजर आती है, ये दाढ़ी जिसको हर लोग कहते हैं, हर उलमा कहते हैं, हम वो नहीं रख सकते, वो नहीं, उसकी परहेज नहीं कर सकते, उसका परहेज नहीं कर सकते, उसका परहेज नहीं कर सकते। आज मैं और आप उसको छोटा समझ रहे हैं, लेकिन बात याद रखना, मेरी और आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लोगों को उनके चेहरों से पहचानूं, और चेहरे जब मेरी और आपके वहां चिपके जाएंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दयानतदारी से बतलाना, जिन मेरे मोहतरम मेरे मोहसन भाई दाढ़ी नहीं रखते, तो क्या वो भी जब अल्लाह के रसूल के सामने जाएंगे तो अल्लाह के रसूल कहेंगे ये मेरी उम्मत के लोग नहीं? क्यों? इनके चेहरे मेरे चेहरे जैसा नहीं, इन्होंने या तो मेरे चेहरे को पसंद नहीं किया, अगर किया है तो दिल से नहीं किया, अगर दिल से किया है तो अमल से नहीं किया। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के रसूल वहां से ठुकरा दे, और ये सच्ची बात सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सहकन सहकन लमन गजर बादी, इन लोगों को मेरे से दूर कर लो, मैं इनको देखना भी पसंद नहीं करता, मैं इनको देखना भी पसंद नहीं करता, दूर कर लो इनको मेरे से। ये बात परहेजी करने वाले लोग इलाज तो बहुत करवाते रहे लेकिन परहेज ना किया। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो इसी बद परहेजी की वजह से हम हिलाक हो जाए, हम हिलाक हो जाए और तबाह हो। मेरे भाइयों, हम चाहते नहीं कि जन्नत में जाएं, वल्लाह है दो ही रास्ते, दो ही घर हैं, दो ही घर दुनिया में, आदमी पाकिस्तान इंडिया में जाता है चाहे वो 10,000 घर अपने बनवा सकता है, लेकिन जहां चाहे बनवा सकता है, लेकिन आखिरत में ज्यादा घर नहीं, दो ही घर, वफरीकुन फिल जन्ना वफरीकुन फिस सईर। फरमा एक जन्नत का घर है, दूसरा जहन्नम का घर, दो ही घर हैं, दो ही गरोह हैं, दो ही जमात है। फअम्मा मन तहा वआतर अलहयात अद्दुनिया फइन्नल जहीम हिया अलमावा। लोगों, जो जहन्नम का ठिकाना है उस आदमी के लिए जो आदमी सरकश है, बागी है, जो आदमी बागी। अल्लाह, इतनी देर होगी कुरान सुनाते हुए, नबी का फरमान सुनाते हुए, लेकिन कोई बदलने को तैयार नहीं। भाइयों, क्यों? कब तब्दील होंगे हम? जब हमारी ये जान निकल जाएगी, हम खत्म हो जाए। अल्लाह की कसम, आज वक्त है, वक्त है मेरे भाइयों, तब्दील हो जाओ, अपने आप को तब्दील कर लो, बदल जाओ। फअम्मा मन तगा, फरमा वो सरकश इंसान, वो बागी, बागियों का टोला, फअम्मा मन तगा आसर हयात दुनिया, कि जिस आदमी ने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, दुनिया को जिंदगी को अच्छा जाना, वातरल हयात दुनिया, फइन्नल जहीम हियल महवा,
ये अल्लाह का फैसला है, मेरा और आपका फैसला नहीं। फरमाया जिसने दीन पर दुनिया को तरजीह, दीन पर दुनिया को तरजीह दी, फइन्नल जहीम हियल मावा, उसका ठिकाना जहन्नम। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, और जिस आदमी, जो आदमी डर गया अल्लाह के सामने खड़े होने से, मकाम रब्बी वनहन्नफ्सा अनिल हवा, और परहेज भी करता रहा, बद परहेजी नहीं की, परहेज भी करता रहा कुफर शिरक बिदआत खुराफात इन सब चीजों से बचता रहा, जिना चोरी सब चीजों से, शराब नोशी से बचता रहा और परहेज भी पूरा करता रहा। फइन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत, उसका ठिकाना बागात। ये मेरी और आपकी बात नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात है। और मेरे भाइयों, फअम्मा मन ज़ुहज़िहा अनिल नार वउदखिला जन्नत फकद फाज। आज दुनिया में बड़े लोग कामयाब हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास बिल्डिंग है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास दुनिया के मुरब्बे हैं, अल्लाह की कसम लोग उसको कहते हैं बड़ा यार कामयाब, जल्दी इतना इसने माशाल्लाह बड़ा बिजनेस हो गया, बड़ा कामयाब हो गया। लेकिन मेरा अल्लाह और आप सबका अल्लाह किसको कामयाब कह रहा है? फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिल नार, जिस आदमी ने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया, फकद फाज, वो आदमी कामयाब, वो आदमी कामयाब हो गया। अल्लाह की कसम, अल्लाह की नजर में ये दुनिया, ये मालो मता, ये गाड़ियां, ये बिल्डिंगें कुछ भी नहीं, और ये कुछ भी नहीं। अल्लाह, और मेरे भाइयों, इस दुनिया इतनी ज्यादा मोहब्बत ना करो, ज्यादा मोहब्बत ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको जन्नत पर तरजीह ना दो, जन्नत पर तरजीह ना दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बालिश जन्नत का, फरमाया पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे आला है जन्नत का एक बालिश। और तुम इन मरहबों पे दिल लगा के बैठे। फरमाया अगर जन्नत की हूर का एक दुपट्टा, ये सही है, जन्नत की हूर का एक दुपट्टा वो पूरी दुनिया से कीमती, दुनिया जन्नत की हूर का एक दुपट्टा ये चादर ऊपर पूरी दुनिया से। मेरे भाइयों, वहू उसके जेवरात और उसके जूते, उसके और कपड़े, वो तो उसका अल्लाह ने जिक्र ही किया, सिर्फ एक दुपट्टे का कहा कि एक दुपट्टा इतना कीमती, तो दुनिया बाकी चीजों का क्या कहें, वो तो पता नहीं कितने कीमती होंगे। एक दुपट्टा पूरी दुनिया से कीमती। अल्लाह, और मेरे भाइयों, ये जो हम अमल कर रहे हैं, ये नमाज और रोजा, अल्लाह की कसम उस जन्नत की कीमत नहीं, अल्लाह की कसम उस जन्नत की कीमत नहीं है। नमाज, ये रोजा, ये हक उस जन्नत की कीमत नहीं है। इस अमल की वजह से ये ना समझो कि हम नमाज पढ़ते हैं जन्नत इसकी वजह से मिलेगी, नहीं, अल्लाह की कसम नमाज पढ़ने से अल्लाह को कुर्ब हासिल होता है, रोजा रखने से अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, हज और ज़कात अदा करने से अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाता है कियामत के दिन मैं अपनी रहमत की वजह से इस आदमी को जन्नत दे दूंगा। सहाबा ने कहा, भला अंत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आप भी अपने आमाल की कीमत, अपने आमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाए? फरमाया भला आना मेरे सहाबा, मैं भी अपने आमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाऊंगा, इल्ला बिरहमतिल्लाह, इल्ला कि मेरे ऊपर मेरे अल्लाह रहमत करेगा और मैं अल्लाह की रहमत की वजह से जन्नत में। इन आमाल की वजह से हम जन्नत में नहीं जाएंगे, ये उस इतनी कीमती जन्नत की ये कीमत नहीं है नमाज और रोजा, वो बहुत ज्यादा कीमती है, उसका बदला ये नहीं है। मेरे भाइयों, इससे अल्लाह की रहमत मिलती है,
अल्लाह की बुजुर्गी मिलती है, अल्लाह का कुरब मिलता है। इस रहमत और कुरब की वजह से हम जन्नत में जाएंगे, इन आमाल की वजह से नहीं। ये आमाल उसकी कीमत जन्नत की कीमत का मुकाबला करना वल्ला गलत। अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युद्खल अहदकुम अल्जन्ना इल्ला बिरहमतिल्लाह, मन युद्खल अहदकुम अल्जन्ना इल्ला बिरहमतिल्लाह। कोई आदमी जन्नत में नहीं जाएगा मगर अल्लाह की रहमत की वजह से, अल्लाह की रहमत की वजह से। ओ मेरे भाइयों, इस दुनिया से दिल न लगाओ, इतनी मोहब्बत ना करो ताकि तुम अल्लाह को भूल जाओ। अल्लाह मेरे भाइयों, जहां पे अपने गुनाहों को माफ करवा लो, अपने गुनाहों को माफ करवा लो और अल्लाह के रसूल की इत्तबा करो और अपने अंदर गौर व फिक्र को पैदा करो, अल्लाह की कसम पैदा करो, ऐसी तिजारत करो, ऐसा बिजनेस करो कि जो तुम्हें जन्नत में ले जाए। हम कहते हैं ऐसा बिजनेस चालू करें यार कि आदमी राहत के साथ उसको खाता रहे, कमाता रहे। कोई ऐसा बिजनेस हो, अल्लाह फरमाता है, हाँ मेरे बंदे मैं तुझे बिजनेस बताता हूं, या यो अल्लाह की नामनु ऐ ईमान वालों, हर अदुल्लु कुम अला तिजारत कुंजी कुम मिन अज़ाब अलीम तुमिनून बिल्लाह व रसूलिह। फरमाया मेरे बंदो, मोमिन मुसलमानों, मैं तुझे एक तिजारत बताता हूं, ऐसी तिजारत जब तुम करोगे तो तुम्हें जहन्नम की आग से बचा दे, तुंजी कुम मिन अज़ाब अलीम, अज़ाब अलीम से बचा लेगी, निजात दे देगी। तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर सही ईमान ले आओ, सही दिलो जान से ईमान ले आओ। और जो आदमी वल्लाह सही मानों में ईमान ले आता है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, उसको अल्लाह के अलावा किसी का डर रहता ही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा, जाओ रूम की तरफ, जाओ ईरान की तरफ, जाओ शाम की तरफ, जाओ और कैसे किसरा की तरफ जाओ, जाओ खतूत लेके जाओ, उनको पैगाम दे के आओ कि मुसलमान हो जाओ। एक एक आदमी गया और ऐसा नडर होके गया, उनकी फौजें खड़ी हैं, उनके सुरते खड़े, तलवारें भरी हुई हैं और बंदूकें ली हुई हैं और इतने जाओ जलाल में सोने के तख्त पे वो बादशाह बैठा है और जी अपनी कुंडी को और अपनी लकड़ी को और अपने आसे को और अपने उस सरिये को लेकर ठुक ठुक करता उसके सामने, कहा कि बता तुम ईमान ले आता है कि लड़ाई करता। ये ईमान की कुव्वत, ये जज्बा, ये पुख्तगी कब पैदा होती है कि जब आदमी सच्चे दिल से ईमान ले आता, जब आदमी सच्चे दिल से ईमान ले आता। मेरे भाई, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको सच्चे दिल से ईमान लाने की तौफीक अता करे और अपने अकीदे को साफ और सुथरा बना दे, जैसे साफ सुथरा चश्मे का पानी होता है। चश्मे का पानी कितना साफ होता है, मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर चश्मे का पानी और वो चश्मे के पानी की एक नहर आगे से चल रही है और वो पीछे से साफ और सुथरा पानी आ रहा है, पूरी नहर साफ और सुथरा पानी है, बीच में अगर 10-20 गटर भी चला दिए जाए तो वो उसको भी साफ कर दे, ऐसा होता है कि नहीं? आप देखते हैं पाकिस्तान इंडिया में नहरें चल रही, पानी उसमें भरा हुआ है, पीछे से पानी साफ है, आगे शहरों से गुजरती, पूरे शहर के गटर उसमें जा रहे हैं और आखिर में पानी साफ शिफाफ मिला। और आपने देखा होगा कि जो नहर ही खास गटर के लिए बनी, लाहौर में एक गंदा खाला उसमें, वो पूरा का पूरा गंदा है और उसमें अगर आप 2-4 चश्मे उंडेल भी दें तो वो गंदा का गंदा रहेगा, वो साफ होने वाला नहीं। क्यों?
कि उसके पीछे जो सास है, उसकी जो बुनियाद है वही गलत है। वो जहां से पैदा की गई है वही गलत आ रही है, और ये नायक जो है पीछे से ठीक आ रही है। आगे से अगर कोई गंदगी पड़ गई है तो उसको ठीक कर दे। अल्लाह की कसम, जिस आदमी का अकीदा ठीक है और वो अमल करता है और उससे कोई बुराई भी हो जाती है, अल्लाह उसके अकीदे की वजह से उसकी बुराई को साफ कर देगा। और जिसका अकीदा गलत है और उसका उसी तरह गंदे गटर का पानी की तरह गंदा का गंदा, वो साफ नहीं हो सकता, वो साफ नहीं हो सकता। अगर साफ शिफाफ नहर के अंदर 10-20 गटर आ जाए तो उनको वो साफ कर दे। क्यों? कि उसकी असल ठीक है, उसके पीछे का पानी जो है वो ठीक है, और जिसकी इब्तदा गलत है उसके अंदर अगर अच्छा पानी भी डाल दे उसको भी गंदा कर दे। उसके अंदर अगर अच्छा पानी भी डाल दे अल्लाह की कसम उसको भी गंदा कर दे। है ऐसी बात के? अगर गलत अकीदे वाला आदमी नमाज पढ़ता रहे, रोजा रखता रहे, हज करता रहे और ये अच्छा पानी उस गटर में आकर सब खत्म हो जाए, उसको तबाह कर दे। गलत अकीदा इस नमाजों को, रोजे को, हज को, जकात को अल्लाह की कसम गलत गंदा कर दे, बदबूदार कर दे। जिस आदमी की सांस और असल अच्छी है, अच्छा अकीदा है और अल्लाह ताला छोटी मोटी गलतियां उसकी माफ कर, लेकिन जिसकी बुनियाद ही गलत, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता, अल्लाह हमें नहीं चाहता कि ये आदमी मैंने अपने हाथ से बनाया और ये जहन्नम में जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस, फरमाया एक गजवा से वापस आए, गजवा से वापस आया, उसमें बहुत से मुशरिक कैदी, उसमें एक औरत भी कैदर बन के आई जिसका छोटा सा दूध पीता बच्चा वो भी साथ में था। वो वापसी में जब कैद होकर आई तो रश में गुम हो गया, वो कैद में है और जब वो किसी बच्चे को देखती है जल्दी से उसको पकड़ लेती है, चौंकती है, चाहती जल्दी से उसको पकड़ लेती है कि मेरा भी ऐसा बच्चा था, कहां गुम हो गया। किसी और का बच्चा देखती है उसको पकड़ कर चूमती है, उससे प्यार करती है। आप सल्लम ने हालत देखकर फरमाया, मेरे सहाबा, ये माँ अपने बच्चे से देखो कितनी मोहब्बत करती है, आज औरों के बच्चों को उठा उठा कर चूम, और 70 गुना ज्यादा मेरा और आपका अल्लाह इससे ज्यादा मोहब्बत करता अपने बंदे से। क्या वो चाहेगा कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए? लेकिन जब आदमी हद से बढ़ जाता है, उस वक्त कभी कभार मां भी कह देती कि मैं इसको माफ नहीं करूं। आप सल्लम को एक वाक्य पेश आया, फरमाया एक आदमी की, एक बच्चे की जान नहीं निकल रही, फरमाया उसकी मां को बुलाओ। कहा, बुलाया गया, कहा क्या वजह है? कहा मैं इस पर नाराज हूं। कहा तो इसको माफ कर दो। कहा मैं इसको माफ नहीं करूं। जब आदमी हद से बढ़ जाता है तो उस वक्त माओं के जिगर भी हदीद की तरह, पत्थर की तरह हो जाते। जब आदमी हद से आगे बढ़ जाता है और उस वक्त अल्लाह को भी गुस्सा आ जाता है, अल्लाह भी नाराज हो जाता है कि मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तेरी परवरिश की, मैंने तेरे दिल और दिमाग को ठीक रखा, आज मैं अगर तेरे दिमाग को खराब कर दूं, लोग तुझे गलियों में चलने नहीं दे, कोई रंग फेंकेगा और कोई पत्थर मारेगा, मजनून बोलेगा, ये सब कुछ किसने अता किया है? उस माता उलाड़ शरीफ ने, जब ये सब कुछ उसका अताया हुआ और बंदा उसकी नाफरमानी करता है, फिर अल्लाह को भी गुस्सा आ जाता है, अल्लाह भी नाराज होता है। तो मेरे भाइयों, हमें वो काम करने चाहिए जिससे हमारा अल्लाह नाराज ना हो बल्कि
राजी हो जाए, और अल्लाह अगर राजी हो जाएगा तो हमें जन्नत मिल जाए। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो नाराजगी का, अल्लाह की नाराजगी का बदला जहन्नम है। जहन्नम जन्नत। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक वाक्य नकल किया कि मां की ममता, मां की मोहब्बत, कि एक आदमी ने बाजार में सुना कि एक घर में चोर हो रहा है, मां और बेटे का। बेटे ने कहा मेरे घर से निकल जा, लाइन तू मेरी बात नहीं मानता। बेटे ने कहा कि जा, आज के बाद तू भी मेरा चेहरा नहीं देखेगा, मैं भी घर में नहीं रहना चाहता। निकला, चला गया। और एक दिन दो दिन बाहर घूमता रहा, उसके दिल में आया यार मैंने मां को नाराज कर दिया। दोबारा वापस आया और दरवाजा खटखटाया। अभी खटखटाया ही है तो मां ने फौरन खोल दिया, कहा जब से तू गया है मैं भी दरवाजे के साथ खड़ी थी कि मेरा बेटा, मैंने उसको ऐसा ऐसा कह दिया, वो घर से निकल गया, और मैं भी दरवाजे पे खड़ी थी कि मेरा बेटा आए और मैं दरवाजे को खोल। मां की ममता और मोहब्बत कितनी होती है, और अल्लाह के 70 गुना इससे ज्यादा मोहब्बत। अल्लाह चाहेगा कि अपने बंदों को जहन्नम, लेकिन जब आदमी गुनाह से गुनाह, स्याकारियों से स्याकारियों करता चला जाता है तो अल्लाह का अज़ाब और ग़ज़ब नाज़िल होता है। लेकिन खुदा के लिए अपने आप को तब्दील करो, अपने आप को बदलो और सहाबा जैसा बनाओ जैसे सहाबा इकराम अपने आप को बदल लिया, अपने आप को बदला जिस तरह सहाबा ने। वल्लाह जन्नत अगर चाहते हो उसके दो ही असूल हैं जन्नत को हासिल करने के। एक आदमी अमल सारे करे और एक आदमी गुनाहों को माफ करवा, गुनाहों को छोड़ दे। अगर है तो उसकी बख्शिश तलब करे, उसकी माफी मांगे और अमल साले करे। अमल साले कौन से होते हैं? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये अमल साले नहीं। अमल साले तब बनते हैं जब वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक, फिर वो अमल साले बनता है, ना तो वो अमल गंदा और गलत बनता है जो आप ससल्लम के तरीका के खिलाफ। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला हमें बहुत आला और साफ और सुथरा और शफाफ और रोशन दीन देकर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तरक्तुल बैदा लैलुहा कनहारिहा, मैं ऐसा दीन, ऐसा इस्लाम दे के जा रहा हूं, ऐसी चीज तुम्हें दे के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन, ऐसा दीन जिसकी रातें भी दिन की तरह चमकती, यानी ऐसा चमकता हुआ दीन, वाज़े दीन दे के जा रहा हूं। और उस दीन से रहनुमाई लेना, उकबा बिन आमर सब कहो रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल है। उकबा बिन आमर ये सहाबी रसूल है। इसकी बहन एक बार नियत बांधी, मन्नत बांधी और दिल में इरादा किया, कहा मैं हज करूंगी और हज भी ऐसा करूंगी कि अपने सर पे दुपट्टा भी नहीं रखूंगी, पांव में जूती भी नहीं पहनूंगी, असवारी पे चलकर भी नहीं जाऊंगी, पैदल जाऊंगी, ताकि इस हालत मेरी को देखकर अल्लाह को तरस आ जाए और मेरे गुनाहों को माफ करके मुझे जन्नत दे। जो आदमी ये अभी कपड़ा रखा हुआ है, अभी ये ज्यादा इज्जतदार है या इसको उतारने में इज्जतदार है? उतारने में थोड़ी सी जिल्लत है ना, थोड़ी सी रिसवाई है ना। जूता पहनकर जाने वाला और जूते के बगैर जाने वाला, उसमें थोड़ी सी जिल्लत है ना, थोड़ी सी रिसवाई है ना। और असवारी गाड़ी पे जाने वाला और पैदल जाने वाला, इसमें थोड़ी सी जिल्लत है। अब इस जिल्लत को
ताकि मेरे अंदर तकब्बुर, गुरूर, फकर ये सब कुछ निकल जाए। उकबा ने कहा रज़ी अल्लाह ताला कि मेरी बहन तूने ये इरादा तो कर लिया, क्या आप सल्लम से भी पूछा कि ऐसा करना ठीक भी है कि नहीं? कहा नहीं, ये तो नहीं पूछा। कहा इसमें कौन सी कोई कमाल वाली बात? कहा नहीं पूछो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, आप सल्लम को अपनी बहन का पूरा किस्सा सुनाया। आप सल्लम ने सुनकर कहा उकबा आपने हज से पहले आपने बता दिया, अगर आप ना बताते तो लोग हज करके ऐसे पूरे गुनाहों से धुल कर लौटते हैं और ये और गुनाहों के साथ लौटती है औरत, तेरी वो बहन पूरे गुनाहों के साथ जकड़ी हुई लौटती, कोई भी गुनाह माफ ना होता। क्यों? कि मेरा तरीका के खिलाफ उसने इरादा और असम किया। मेरे भाइयों, हर अमल का महवर और मंबा, उसकी असल, उसकी सास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा। अगर उस अमल में इत्तबा रसूल नहीं, वो अमल कितना ही तुम्हारी नजर में अच्छा क्यों नहीं, अल्लाह की कसम वो तुम्हें जलील और रिसवा कर। क्या मत करें तो मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल हैं मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु। मुगीरा बिन शोबा इसकी बात रिश्ते के एक अंसारी के घर से चली रिश्ते के लिए, और मुख्तसर करो टाइम कम है, आप सल्लम से मशवरा लिया कि मेरी फलां घर में बात चल रही। आप सल्लम ने फरमाया क्या तूने उसको देखा है? कहा नहीं अल्लाह के रसूल। फरमाया फंजर आ जा उसको देख कर, तुम्हें पसंद भी हो गया जा एक नजर उसको देख ले। उसके घर क्या दरवाजा खटखटाया, उसका बाप निकला, कहा मैं आपकी बेटी को रिश्ते की बात चल रही, मैं देखना चाहता। वो आपको बोला होगा, उसका चेहरा तब्दील हो गया। अंसारी लोग पढ़ते के बहुत पाबंद थे, बहुत गैरतमंद थे, उस वक्त हुक्म नहीं आया था, सब लोगों को नहीं सुना था आप सल्लम का हुक्म, और ये पढ़ते के बहुत पाबंद है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती, फरमाया अल्लाह अंसारी औरतों पर रहम करे कि ईशा की नमाज के बाद आप सल्लम को पर्दे का हुक्म आया, आसमानों से नाजिल हुआ, और दो चार दस अंसारी ईशा के बाद बाकी चले गए थे, बैठे थे, उन्होंने आप सल्लम की ये बात को सुना कि पर्दे का हुक्म आ गया है। उन्होंने जाकर दो चार जो अंसारी बैठे थे उन्होंने जाकर घर में बताया, और अंसारी लोग, अंसारी औरतें रात को एक मिनट भी सोए नहीं, सारी रात कहीं कोई पर्दे का, कहीं किसी बिस्तरे की शीट को उन्होंने फाड़ फाड़ कर अपने बुरके और अपने पर्दे बनाए। फजर की नमाज में पूरी अंसारी औरतें पर्दे के साथ, इतनी पाबंद थे, इतने गैरतमंद थे। जब उसने बात सुनी तो बोला, कहा तू मुझे अपनी बेटी देखने की बात करता है? बेटी कोने में बैठी थी। कहा अल्लाह के मेरे अब्बा जान रुको मैं बात करती हूं। कहा मुगीरा बिन शोबा को, कहा भाई अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो फिर तो कोई बात नहीं, अगर नबी पाक का हुक्म नहीं तो शायद हमारे कबीले वाले तुझे मार ही ना दे, जल्दी से निकल जा, मेरे घर से जल्दी से निकल। कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुना है। तो कहा अगर आप सल्लम की जबान से सुना है तो फौरन मान लिया, अपने चेहरे से पर्दे को हटा दिया। कहा थे प्यारे नबी का हुक्म है तो कोई बात, कितना भी हमारे ऊपर गिरा क्यों ना हो, लेकिन जब अल्लाह के रसूल की बात आ जाए तो फिर हम उसको मानने बगैर नहीं। लेकिन हमारी क्या हाल, हमारी क्या हाल है? ये दीन, ये इस्लाम किसी और चीज का नाम नहीं, किसी मुल्ला और किसी पीर, किसी बुजुर्ग और किसी फलां का नाम नहीं, अल्लाह की लाही शरीयत का नाम दीन। जो मौलवी कहते पैसों को बिका हुआ मौलवी, जो हुकूमतों के पाले हुए मौलवी, वो कह दे
ये बात गलत है तुम कहते ठीक, ये बात ठीक है तुम कहते ठीक, नहीं ये दीन इस्लाम आसमानों से अल्लाह बल्कि फरिश्ते भी शायद यही समझते थे। सही हदीस है, एक बार फरिश्ता आया आसमानों से आदमी की शक्ल में आप सल्लम के सामने दो जानू होकर बैठ गया, बैठकर आप सल्लम के आप सल्लम से इस्लाम के बारे में सवाल करने लगा। सहाबा कहते हम हैरान हो गए कि ऐसा आदमी जो सवाल भी करता है, सवाल करने से पता चलता है कि इसको कुछ भी मालूम नहीं, और जब सवाल आप सल्लम का सुन लेता जवाब तो कहता ठीक है, पता चलता है इसको पहले ही से पता था। अजीब आदमी, हमने पहली बार देखा। आप सल्लम ने फरमाया जान कर ये कौन है, कहा नहीं, कहा ये जिब्राइल थे, ये तुम्हें आता तुम जिब्राइल, ये जिब्राइल आए थे तुम्हारे पास तुम्हें दीन सिखाने के लिए। बात नबी से हुई है, तुम्हें से कैसे होगा, कहा तुम्हें दीन सिखाने के लिए, क्यों कि ताकि मुझे सवाल करे, मेरी जबान से वो बात निकले और मेरी जबान से बात निकल कर उस पर तुम अमल करो। हालांकि जिब्राइल डायरेक्ट भी इसी मजमे में आकर बात कह सकता था, लेकिन वो दीन नहीं बनना था, दीन वो था जो नबी की जबान से निकल। आदमी की शक्ल में जिब्राइल आए थे, वो आकर कह सकते थे ये इस्लाम है और ये सच्चा है और ये एहसान है, लेकिन आप सल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल आप बताइए ये क्या है, आप सल्लम से जबान से जब निकला वो दीन बना। तो मेरे भाइयों खुदा के लिए इस पर पाबंदी करो, आप सल्लम से आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन जहन में रखना हमारी मोहब्बत कहीं ऐसी मोहब्बत ना हो। अबू जाल भी मोहब्बत करता था, अबू जाल मोहब्बत करता था कि नहीं, अबू लहाब भी मोहब्बत करता था, आप सल्लम से मोहब्बत करता था या नहीं। अबू जाल ने कहा था कि अल्लाह के रसूल इस दावत से बाज आ जा, आपको किसी भी हमारे घर में से मक्का में से किसी की लड़की चाहिए, हम देखते हैं आपको दामाद बनाते हैं, मोहब्बत नहीं, आपको बादशाह चाहिए हम आपको बादशाह देते, ये मोहब्बत नहीं, किसी और को क्यों नहीं आदमी कहते, मोहब्बत करते थे। लेकिन आप सल्लम की जात से मोहब्बत करते थे, नबी की बात से। अबू बकर सिद्दीक और अबू जाल में क्या फर्क है, वो सिद्दीक क्यों बना कि वो नबी की जात से भी मोहब्बत करता था और नबी की बात से भी मोहब्बत करता था, इसलिए वो सिद्दीक और मुस्लिम और मुआहिद बना, और वो अबू जाल नबी की जात से तो मोहब्बत करता लेकिन नबी की बात से मोहब्बत नहीं करता। मेरे भाइयों आज अपने आप को इन गुनाहों की दलदल से निकाल और जन्नत में दाखिले के लिए अपने आप को तैयार करो, और इसी तरह अपने अंदर एक फिक्र पैदा कर लो जिस तरह सहाबा के दिलों में फिक्र पैदा हो। एक औरत आई अल्लाह के रसूल के पास, कहा अल्लाह के रसूल ताहिर या रसूल अल्लाह, मैंने जिना करा लिया, मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लम ने फरमाया जा ये बच्चा जो तेरे पेट में इसको जन्म दे। दोबारा आई फरमाया अभी जो बच्चा पैदा हो गया इसको खाने पीने के काबिल कर, जा दोबारा आई। उसको कितनी फिक्र लगी हुई कि मेरा ये गुनाह धुल जाए, हमें कोई फिक्र। और तीसरी चौथी मरतबा आई कहा अल्लाह के रसूल ताहिर पाक कीजिए, फरमा जाओ इसको आधा गाड़ कर इसको पत्थर मार मार कर रजम कर दो। उसको ये फिक्र लाए क्यों थी कि मेरा ये गुनाह दुनिया में धुल जाए और मुझे जन्नत में जाए। जन्नत का हुसूल वल्लाह अमल साले और गुनाहों की माफी के साथ, जिस आदमी के गुनाह भी हैं और वो आदमी जन्नत में जाए, गुनाह खत्म होंगे तो आदमी जन्नत में जाए, ना तो उस गुनाह की बदला में जहन्नम में जाए जलेगा। मेरे भाइयों ऐसी फिक्र अपने अंदर पैदा कर लो। अंसार मदीना आप सल्लम के पास आए, सही बुखारी शरीफ की हदीस, और आकर कहा अल्लाह के रसूल, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, आकर आप सल्लम के पास आए कहा अल्लाह के रसूल हम ये
سوال کرتے ہیں ہمیں پانی کی بہت ضرورت ہے مدینہ منورہ میں بہت قلت ہے پانی کی اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ تاکہ دو چار چشمے دو چار نہریں پیدا کر دیں اللہ تعالیٰ اور یہ مدینے کی بنجر زمین آباد ہو جائے سوال کیا آپس میں مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو دیکھ کر فرمایا انصاری لوگ پہلی مرتبہ کوئی غرض لے کر آئے ہیں فرمایا جو بھی آج تم مانگو گے اللہ تعالیٰ جو بھی تم مانگو گے تمہاری قربانیاں اتنی ہیں میں تمہارے اوپر اتنا خوش ہوں تمہیں اپنی زمینیں اپنی جائیدادیں اپنے مکان اپنے گھر اور اپنی بیوی تک تم نے مہاجرین کو عطا کر دی اتنی قربانیاں دی آج جو تم مانگو گے مہاجر انصاری لوگوں اللہ تجھے عطا کرے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر ہم پہلا سوال واپس لیتے ہیں مشورہ کرنے کے بعد طے ہوا اللہ اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے کیوں کہ گناہ معاف ہو جائے تو آدمی کو جنت مل جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے کہا اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار اللہ انصاریوں کو معاف کر دے انصاریوں کے بیٹوں کو معاف کر دے اللہ ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو بھی معاف کر دے اور میرے بھائیوں ان کو کتنی فکر تھی ان گناہ معاف کروانے کی آج ہمیں کیوں فکر نہیں اور وہ لوگ کتنے محتاط تھے گناہ کرنے سے لیکن ہم بہت دلیری سے کرتے ہیں عروہ بن زبیر عروہ بن زبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجہ اور امی عائشہ کا بھانجا عروہ بن زبیر یہ صحابی ہے تابعی تو میرے بھائیوں یہ عروہ بن زبیر اس کو ایک پاؤں میں پھوڑا نکلا پھوڑا نکلا طبیب کے پاس گیا طبیب نے کہا کہ یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی طبیب نے کیا کہا ٹانگ کاٹنی پڑے گی کوئی بات نہیں کاٹ اس وقت اتنے وسائل تو نہیں تھے کہا یہ شراب اور یہ نشہ تم پی لو تاکہ تم نشے میں ہو جاؤ اور میں ٹانگ کاٹ لوں کہا نشہ میں نہیں پیوں کیوں کہ اللہ نے حرام کیا نشہ یہ شراب کہا اچھا تو ایسے کاٹ لے اس نے پہلے چھری سے گوشت کو الگ کیا پھر ہڈی کو آری سے کاٹا کہا ٹھیک ہے اگر تو نہیں مانتا تو ایسے تجھے تکلیف دے اور جب ہڈی کو کاٹا تو بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آئے تو کہا میری ٹانگ کہاں جو کٹی تھی کہاں پڑی لاؤ اس کو لایا گیا اور اس کو ہاتھ پر رکھ کر کہا کہا واللہ اللہ گواہ ہے اے میری ٹانگ آئے تو میرے سے جدا ہوگی میں اس ٹانگ پر تیرے اوپر چل کر ایک بھی گناہ نہیں کیا اس ٹانگ کے اوپر چل کر ایک بھی گناہ نہیں کیا ایک بھی گناہ نہیں کیا آج ہم اپنی ٹانگوں سے اگر پوچھیں کہ ہم نے کتنے کتنے گناہ کیے ہم نے کتنے کتنے گناہ کیے تو میرے بھائیوں اللہ کے لیے اللہ کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ ہمارے پہاڑوں جیسے جیسے گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے توبہ کرتا ہے واللہ زمین و آسمان گناہوں کا بھرا ہوا ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ اس کی توبہ اور اس کی رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف بلکہ معافی نہیں کرتے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ جو آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اچھے عمل کرتا ہے برے عملوں کو چھوڑ دیتا ہے تو فرما اس کے اللہ سارے پہاڑوں جیسے زمین و آسمان کے درمیان بھرا ہوا خلا سارا کا سارا گناہوں کا اللہ اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں کی بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم گناہوں میں اٹے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تو ماں کی ممتا سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر لگا دے اور جو ہمارے بھائی جن کی کمیاں کوتاہیاں ہیں اور میں آپ سبھی شامل ہیں تو میرے بھائیوں ان کو خاص طور پر غور و فکر اور توجہ دینی چاہیے
कि ये जो हमारे जाहिरी बुराइयां हैं इनको भी छोड़ दे खुदा के लिए, और जो मुखफी बुराइयां हैं उनको भी छोड़ दे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें गौर और फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे सुस्त और ऐसे बेजान जैसे कोई लगा ठीक लगा है, जहां कोई जा रहा ठीक जा रहा नहीं, ऐसी सोच नहीं, एक गौर और फिक्र वाली सोच। और ये सोच पैदा करनी चाहिए उसको कि क्या जो मैं आज अमल कर रहा हूं 1400 साल पहले का जो इस्लाम है क्या वही है, उसी पर अमल कर रहा हूं। तो मेरे भाई जिस आदमी के अंदर ये सोच ये फिक्र पैदा होगी वो कामयाब, वो कामरान होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको कामयाब फरमा दे, और हम सबको जन्नत में इकट्ठा फरमा दे, और हम सबको जहन्नम से महफूज फरमा ले। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।